हाय दोस्तों, आपका हमारा आशा डायरी चैनल में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आज आपके लिए हम एक रोज़गार से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, कौशल विकास सेंटर से स्किल इंडिया जिसे कहते हैं, उससे ट्रेनिंग प्राप्त की है, तो उन बच्चों के लिए बड़ा अवसर है, उसमें नौकरी पाने का अच्छा मौका है। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही हैं। जो नई कंपनियां हैं तो उनमें बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसकी योजना है हमारी, ये श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ, इनकी ये योजना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जा सके। ये रोज़गार बच्चों किस प्रकार का है, ये एक प्राइवेट रोज़गार है, इसे आप सरकारी नहीं कह सकते हो, किसी भी कीमत पे आप सरकारी इसे नहीं कह सकते हो। इसमें सरकार बहुत रुपए खर्च कर रही है और बच्चों को सिर्फ रोज़गार, एक प्राइवेट रोज़गार दे रही है। तो हम आपको बता दें कि एक किस किस विभाग में रोज़गार दिया जाएगा। जैसे दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि युवा शक्ति से संपन्न उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। जो उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं वो उत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य है, लेकिन हमें तो लगता है कि बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। आपको अगर सही लगता है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, युवा शक्ति, इसमें आपको हम पूरा पढ़ के सुनाने वाले हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए भी। ये अमर उजाला की खबर है, हर कदम रोजगार सृजन की ओर बढ़ रहा है। युवा शक्ति से संपन्न उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का योगी आदित्यनाथ सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार का हर कदम रोजगार सृजन की ओर ग्रामीण पर मनरेगा से लेकर IMS ODP के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। मनरेगा के जरिए 18 2018 में 4.68 लाख रुपए के निवेश से समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें से 3.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश पर काम शुरू हो चुका है। इसको और वृद्ध रूप से देते हुए सरकार अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। इसमें 10 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। दोस्तों, ये फरवरी आने वाली है, इसी में कितने रुपए का इन्होंने 3.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो कंपनियां हैं समिट आयोजन कर रही है। जो कंपनी है ये 3.80 लाख करोड़ का तो वो अपना खुद का कर रही है, 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य, 10 लाख करोड़ रुपए जो है हमारी सरकार भी उसको मदद दे रही है। जैसे वो बच्चे इसमें कौन कौन से लिए जाएंगे, ITI और ITIS में मिलेंगे 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार। जो बच्चे ITI करे हुए हैं उन बच्चों को 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार देने का प्रयास है। तो दोस्तों,
जैसे कि उत्तर प्रदेश अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है, यहाँ नौकरी व रोजगार की संभावनाएं कभी कम नहीं हो सकती। 2017 के बाद से केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से विभिन्न सेक्टरों में 1.61 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन किया गया है। इसके अतिरिक्त 60 लाख से अधिक स्वरोजगार का भी सृजन किया गया है। यह कौन कहता है? योगी आदित्यनाथ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, यही कहते हैं कि इतने बच्चों को हमने रोजगार दिया है और नौकरी दी है। तो ये तो आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ से कहाँ तक बच्चों को रोजगार मिला है, तो सभी को जानकारी है। तो आज का जो अमर उजाला है, आगे की जैसे निवेश पर इन्होंने क्या चर्चा की है, क्या बात की है, आकर्षक सब्सिडी जो हमारी सरकार है सब्सिडी देने का प्रयास करेगी। किसको देने का प्रयास करेगी? जो अपनी कंपनियां खड़ी कर रही है उनको सब्सिडी दे रही है। वो हम और आपसे रोजगार सिर्फ एक नौकरी प्राइवेट दे रहे हैं और सब्सिडी उस कंपनी को मिल रही है। हमसे काम ले रहे हैं तो हमें तनख्वाह दे रहे हैं, और जो कंपनी अपना पैसा लगा रही है उसे सब्सिडी हमारी सरकार देगी। देश सरकार ने राज्य में निवेश और रोजगार के नए द्वार खोले हैं। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत प्रदेश में अगले 5 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी ITI व सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा ITS से जुड़े उद्योगों में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से 1 लाख युवाओं को सिर्फ रोजगार दिया जाएगा। कितने का इन्वेस्टमेंट किया गया है? 5 लाख करोड़, 5,000 करोड़ रुपए का, 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट निवेश किया गया है। इसके माध्यम से कितने बच्चों को रोजगार दिया जाएगा? मात्र 1 लाख बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद भी आगे भी सुन लो, इन क्षेत्रों में निवेश करने वालों को न्यूनतम 500 करोड़ रुपए के निवेश पर 10% सब्सिडी भी दी जाएगी। जो कंपनियां हैं 500 करोड़ रुपए के निवेश पर 10% सब्सिडी दी जाएगी, उनको 10% जो होता है सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम सीमा है जो 50 करोड़ रुपए होगी। यूनिट स्थापित करने के लिए बैंक के लिए लिए गए कर्ज में ब्याज पर भी 7% सब्सिडी दी जाएगी, और जो कंपनियां हैं वो बैंक से लोन लेंगी तो उस पर भी 7% का सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। उसके अलावा न्यूनतम रोजगार, जैसे पश्चिमांचल है, मध्यांचल है व बुंदेलखंड में निवेश करने वाले न्यूनतम रोजगार मानदंड पूरा करने पर भूमि की लागत 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अधिकतम सीमा 50 करोड़ रुपए होगी। स्वीकार पेमेंट व वास्तविक प्लानिंग चार्ज की 7% से प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। घरेलू पेमेंट के लिए इसकी सीमा 5 लाख रुपए और अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट के लिए 10 लाख रुपए होगी। 25% की जो सब्सिडी दी जाएगी वह सिटी व मार्ग पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ITI सिटी और ITI पार्क की स्थापना करने वाली कंपनियां को पंजीकृत निवेश पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी, प्रदान कराई जाएगी। इसके अलावा अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपए होगी। भूमि खरीद कर अपना स्टाम्प ड्यूटी में भी 7% की छूट लेने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पश्चिमांचल, गाजियाबाद और नोएडा को छोड़कर मध्यांचल
पूर्वांचल और बुंदेलखंड में एक एक आईटीआई से की स्थापना की जाएगी। 10% तक सब्सिडी भी दी जाएगी, इसमें भी 10% तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो कहना हमारा दोस्तों यही है कि अगर ज़्यादा आपको सब कुछ पढ़ने पढ़ के मैं सुनाऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। रोजगार देने में अग्रणी है उत्तर प्रदेश, तो कहीं से भी कुछ भी इसमें उठा लो दोस्तों। जितनी भी ये कंपनियां हैं ये प्राइवेट हैं, सिर्फ सरकार के अधीन है, प्राइवेट हैं। प्राइवेट बच्चों को नौकरी दी जाएगी, कितने बच्चों को नौकरी दी जाएगी, 1 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं, कौशल विकास की ट्रेनिंग जो चलाई जा रही है, हर ज़िले में कौशल विकास का एक सेंटर है, अब तो बहुत सारे सेंटर हो चुके हैं, तो उन बच्चों ने कौशल विकास योजना से कोई भी डिप्लोमा किया है, ट्रेनिंग ली है, तो उन बच्चों के लिए भी इस नौकरी में मदद मिलेगी, नौकरी पाने का मौका है। तो जो बच्चे देख रहे हो हमारी वीडियो को वो अवश्य कोशिश करें, और इसमें प्राइवेट है तो क्या हुआ, नौकरी ज़रूर ले लें। अगर एक प्राइवेट मिल जाती है तो वो आगे चल के सरकारी भी मिलने में आपको मदद मिलेगी। तो और वीडियो आपको मिलती रहें तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और बैक लाइकन की जो घंटी है उसको भी ऑन कर लें। और जो भी हमारी आशा हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, वो भी अपने बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें, कि जो भी गरीब हैं, गरीब बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर पाए हैं और अपना छोटा ईसाई कहीं कौशल विकास से ट्रेनिंग ली है या आईटीआई की है, क्योंकि हाई स्कूल के बाद आईटीआई हो जाती है और कौशल विकास की जो ट्रेनिंग है वो भी हाई स्कूल के बाद ही हो जाती है, तो इतना तो सभी बच्चे पढ़े हैं। तो जो भी बच्चे इसमें के पात्र हैं तो वे इस योजना का ज़रूर लाभ उठाएं। आगे के लिए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर दें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।